हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी नोट्स। आज के इस वीडियो में मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का पेपर फर्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स, सो इसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रही हूँ। सो इस क्वेश्चन बैंक का मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सेकंड चैप्टर प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया था। चैप्टर फर्स्ट था ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी। सो ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी की मैंने आप लोगों को टू पार्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए थे एंड पार्ट सेकंड में आप लोगों को मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड करे थे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। अगर आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां पर आप लोग को दोनों पार्ट का लिंक मिल जाएगा। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर सेकंड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और सबसे पहले है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब जीपी थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सो ये है इसका आंसर। सो आंसर में आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग लिखनी है जीपी थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीपी थॉमसन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो प्लीज आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें अपने एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पर है इसका ये डायग्राम, ओके, और ये है इसकी फिर से थ्योरी, और इसके बाद ये है सेकंड क्वेश्चन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली इक्वेशंस, और दूसरे टाइप से भी पूछा गया है ये एग्जाम में। डिस्कस द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाएं। और ये है इसका आंसर। सबसे पहले आप लोगों को इसकी हेडिंग लिखनी है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यहां से आप लोगों का डेरिवेशन स्टार्ट होता है। यहां पर इसका आंसर कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा हुआ था और करके, ये उसका आंसर है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और यहां पर है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसके बाद ये है डेविएशन जर्मर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन, ये इसका डायग्राम है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। इसके बाद ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम, लास्ट लाइन में आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है पार्टिकल और यहाँ पर लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूरेंसी, और यहाँ पर लिखा है पार्टिकल, यहाँ पर लिखा है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, और यहाँ पर लिखा है लिमिट। यहाँ पर लिखा है देन और इसी के आगे लिखा हुआ है द, ठीक है, और इसके बाद ये है, यहाँ पर भी आप लोगों को शो नहीं हो पा रहा होगा। आई थिंक अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, और यहाँ पर लिखा है पोजीशन, और इसके बाद यहाँ पर लिखा है फॉर हैवी, यहाँ पर लिखा है साइमल्टेनियसली लाइक, और यहाँ पर है डेल्टा टी, और बाकी आप लोगों को आई थिंक शो कर रहा होगा। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्क्राइब गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट टू शो द वैलिडिटी ऑफ हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और में भी एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के और में, यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइब अन एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट द वैलिडिटी ऑफ हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो टाइप से पूछा गया था क्वेश्चन, और इसके बाद ये है इसका आंसर, पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल। और ये लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। इसके
उसके बाद ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बे पार्टिकल ड्यूअलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज द वेव लाइक नेचर ऑफ मैटर नॉट अपेरेंट इन आवर डेली एक्सपीरियंस। और ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ नोट ऑन हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो इसमें काफी ज्यादा शॉर्ट आंसर दिया गया है इसका। और अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पार्टिकल विद द रेस्ट मास m0 इज मूविंग विद स्पीड c, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। यह है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, विच पार्टिकल इज मूविंग फास्टर। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, सो डेट द ग्रुप वेलोसिटी टू डी ब्रोगली वेव्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद विच द वेव्स आर एसोसिएटेड। और इसी के और में भी एक क्वेश्चन है, सो डेट अ मूविंग पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू अ वेव पैकेट। और ये है इसका आंसर। और ये है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एच एटम इज ग्राउंड स्टेट। और ये है क्वेश्चन नंबर एट्थ, द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, सो डेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी। और ये है इसका आंसर। और अब आता है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। सो इसके आंसर में हेडिंग है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर टेंथ, शो डेट द फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव्स इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल्स। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर थर्ड न्यूमेरिकल, ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ न्यूमेरिकल, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ न्यूमेरिकल, ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ न्यूमेरिकल, और ये है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ न्यूमेरिकल। यहाँ पर लिखा है 10^-8। एट्थ न्यूमेरिकल, ये है नाइन्थ न्यूमेरिकल, ये है क्वेश्चन नंबर टेंथ न्यूमेरिकल, और ये लास्ट है। और इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये भी टू पॉइंट्स में डिवाइड है। पार्ट ए में है आप लोगों का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और पार्ट बी में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, चैप्टर सेकंड आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर सेकंड जो कि आप लोगों का है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अभी मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की कम्प्लीटली पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप लोग पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को चैप्टर फर्स्ट की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को चैप्टर फर्स्ट की भी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड दोनों की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।